अस्सलाम वालेकुम क्या हाल चाल है तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं तो अभी बस मैं ये ब्रेकफास्ट बना रही थी मेरा यूजुअल ब्रेकफास्ट होता है एग वाइट ऑमलेट विद लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स इन इट और साथ में एक ब्रेड दैट इज़ द ओनली थिंग दैट आई ईट और साथ में चाय होती है विदाउट शुगर और ये मुझे आराम से तीन चार बजे तक पाँच बजे तक मुझे uh, फिर भूख नहीं लगती बिकॉज इफ़ यू आर ईटिंग गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन आपका पेट भरा रहता है अगर जो लोग न्यूट्रिशन एंड फिटनेस के बारे में जानते हैं तो उनको पता होगा कि प्रोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन बॉडी और अच्छे अमाउंट में लेना चाहिए तो एनी हम ज़रूर बात करेंगे फ़िटनेस और न्यूट्रिशन के बारे में भी किसी और ब्लॉग में तो आज चलते हैं आज बनना था चिकन बिरयानी तो तो लेट्स सी कि हमारे यहाँ चिकन बिरयानी अम्मी कैसे बनाती हैं तो लेट्स गो हेलो अम्मी अस्सलाम वालेकुम क्या बना रही हैं चिकन बिरयानी बना oh, बिरया चिकन बिरयानी ओके okay. तो अभी इसको मैरिनेट करना है राइट right? mm -hmm. ये वन किलो चिकन था जो नीचे सुपरमार्केट से हमें मिल गया था आ, वो लोग ही काट के दे देते हैं ट्वेल्व टू थर्टीन पीसेस करके एंड देन यू हैव टू वॉश इट प्रॉपरली अगर फ्रीजर में है तो फिर ऑब्वियसली आपको एटलीस्ट हाफ़ एन आवर पहले भिगा देना है बिकॉज अगर आप एकदम तुरंत एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसको पकाने का तो दैट्स नॉट पॉसिबल तो पहले हमने इसको मैरिनेट करना है फॉर एटलीस्ट हाफ़ एन आवर सो पहले हमने दही ऐड किया फिर हल्दी ऐड किया धनिया पाउडर गरम मसाला जिंजर गार्लिक पेस्ट और सॉल्ट ये सारी चीज़ें मिक्स करनी है अच्छे से हमें विद चिकन पीसेस सो दैट कि यू नो सारा मसाला अच्छे से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए सारे पीसेस में और उसके बाद उसको थोड़ी देर रख देना है बिकॉज मैरिनेशन uh, को जो है थोड़ी देर रहने देना मैरिनेट करने के बाद एटलीस्ट 15-20 मिनट्स का और एक चीज़ मैंने नोटिस करी है बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो लोग तेल भी ऐड करते हैं सिरका भी ऐड करते हैं तो दैट इज़ वॉट आई फील इज़ लाइक बिरयानी ऐसी चीज़ है कि सबके घरों में अलग तरह से बनती है किसी के यहाँ ज़्यादा मसाला होता है किसी के यहाँ कम तो नाउ वी विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग द बिरयानी तो सबसे पहले हमें ऑब्वियसली चिकन को प्रिपेयर करना है तो यहाँ पे हमने तेल में दालचीनी तेज़पत्ता ज़ीरा डाला एंड देन एडिड अनियंस उसके बाद अनियंस को फ्राई करा ठीक है टू थ्री मिनट्स के लिए फ़्राई करा स्लो आंच पे ही रखना बिकॉज अनियन जल जाएगी तो फिर सही नहीं है एंड इधर चिकन को मैरिनेट किए तकरीबन ट्वेंटी मिनट्स हो चुके थे ठीक है तो बस uh, ये हमें अब ऐड करना है कढ़ाई में अक्सर बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि ओवरनाइट मैरिनेशन uh, कर देते हैं चिकन का विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन और मुझे लगता है कि उससे और ज़्यादा फ्लेवर आता है लेकिन इफ़ यू हैव लेस टाइम और आपको जल्दी है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं तो बस हमने कढ़ाई में जो प्याज़ हो चुकी थी फ्राई हो चुकी थी तो बस इसके बाद हमने ये चिकन ऐड किया एंड देन वी विल ट्राई कुकिंग इट फॉर टू थ्री मिनट्स विदाउट एडिंग एनी वाटर और इसमें हमें बस इसको कुक करते रहना है तेज़ आंच पे ताकि ये भुने लिटरली हमें इसको रोस्ट करना है ठीक है सो विल कीप कुकिंग भूनते भूनते तकरीबन 20-25 मिनट बाद 20 मिनट बाद आई गैस इसकी शक्ल ऐसी हो जाती है यू you नो know, अभी मतलब इसका बिल्कुल मसाला भुन चुका है लहसुन अदरक एवरीथिंग इज़ फाइन नाउ हमें इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको स्लो आंच पे रखना है ताकि ये गल जाए ऑब्वियसली बिकॉज ये अभी भुना है लेकिन अभी भी थोड़ा हार्ड है चिकन तो बस इसको रख देना है नाव वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द राइस जो बिरयानी का चावल है वो बनाना है तो बस हमने घी ले लेना है ज़रा सा बहुत ज़्यादा नहीं लाइक मैं इस चीज़ को बहुत आ, मम्मी के पीछे पड़ी रहती हूँ कि घी कम डालिए ऑयल कम डालिए वो भी मेरे से तंग आ जाती है कभी कभी तो यहाँ पे बस हमने घी लेके उसमें ज़ीरा तेज़पत्ता डाल दिया था और उसके बाद इसमें चावल ऑलरेडी धुल के रखे हुए थे तो चावल हमने ऐड करा है सारा चावल ऐड करने के बाद हमें घी में ही उसको दो तीन मिनट के लिए पकाना है यू नो यू कैन सी इट हम बिल्कुल उसको रोस्ट कर रहे हैं ठीक है प्रॉपरली ताकि वो बिल्कुल अच्छे से उसमें घी का वो आ जाए फ्लेवर आ जाए एंड देन आफ्टर दैट वील ऐड वाटर इन इट इतना अच्छा अमाउंट uh, डालना है ताकि यू नो डिपेंडिंग ऑन कितना क्वांटिटी ऑफ राइस है आपका बिकॉज ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा राइस नहीं है और उसमें आपने सुनामी कर दिया तो आपका चावल का तो सत्यानाश हो जाएगा तो बस हमें चावल पका लेना है एंड देन वील कीप इट असाइड फॉर टू थ्री मिनट्स यहाँ पे हमने कढ़ाई ले ली है और अब हम बिरयानी को प्रॉपर लेयरिंग करेंगे जिसमें कि हम एक लेयर चावल की डालेंगे और एक लेयर uh, गोश्त के पीसेस की डालेंगे अच्छा हमारे यहाँ जैसे बिरयानी जब बनती है तो पूरा गोश्त विद ऑल द मसाला नहीं डाला जाता है गोश्त को थोड़ा थोड़ा मतलब एक एक पीस गोश्त को डालते जाते हैं उसमें हल्का फुल्का मसाला आता रहता है एंड दैट्स हाउ इट इज़ मतलब कि बहुत ज़्यादा पूरा जैसे मैंने बहुत सारे रेसिपी की वीडियोज़ में देखा है जो पाकिस्तानी फैमिलीज़ में जैसे कुक होता है बिरयानी तो आप सब लोग जो हैं उसमें पूरा आ, मसाला पूरा डोंगे समेत डाल देते हैं चावल में लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा थोड़ा मसाला डाला जाता है विद द पीसेस ऑफ चिकन ठीक है तो इसमें थोड़ा मसाला थोड़ा पीस आता है तो इसमें मुझे ज़्यादा ये इस तरह से पसंद है इवन वो वाली स्टाइल ऑफ़ बिरयानी भी बहुत टेस्टी होती है वो ज़्यादा मसाले वाली होती है Uh, लेकिन मुझे ये वाली मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ बिकॉज मुझे इतना मसाला नहीं पसंद तो आई जस्ट लव दिस स्टाइल ऑफ़ बिरयानी जो मॉम जिस तरह से बनाती हैं और ये रायते के साथ तो ओ माई गॉड इट इज सो यमी सो टेस्टी तो मतलब मैंने तो बस तुरंत जल्दी जल्दी बनने के बाद सबसे पहले मैं ही इसको रेडी uh, होती हूँ खाने के लिए तो बस हमने यहाँ पे इसकी लेयरिंग कर दी है और इसके बाद फिर अब हम इसके ऊपर uh, रंग डालेंगे एंड दिस लुक सो नाइस बस इसको थोड़ी देर दम पे रख देना है और इसके तो यहाँ पे चिकन बिरयानी रेडी हो चुकी है एंड आई कॉन्ट वेट टू ईट इट मुझे बहुत पसंद है एंड ऑल्सो अगर आप मिनिमल अमाउंट ऑफ ऑयल में आप इसको बनाते हैं तो इट कैन बी अ वेरी यू नो न्यूट्रिशस फूड ऑल्सो अगर आप चावल कम अमाउंट में लेते हैं और आप चिकन लेते हैं तो इट इज़ अ वेरी गुड

यहाँ पे मम्मा अपने लिए भिंडी की सब्जी बनवा रही थी बिकॉज शी इज़ नॉट अ बिग फैन ऑफ चिकन एंड ऑल दी स्टफ वो वेजिटेरियन चीज़ें ज़्यादा पसंद करती हैं इवन दो मैं उनको बोलती हूँ कि नहीं आपको खाना चाहिए चिकन बिकॉज शी नीड्स प्रोटीन एज आई ऑलवेज से कि सबको uh, अच्छा अमाउंट ऑफ प्रोटीन लेना चाहिए तो ये प्याज़ वाली भिंडी बन रही है जिसमें कि हमें प्याज को थोड़ी से प्याज को तल लेना है दो से तीन मीडियम साइज फाइनली चॉप्ड अनियंस को हमने तल लिया है हल्का सा फ्राई किया है और बहुत ज़्यादा नहीं जला देना है और उसके बाद उस पर भिंडी डाल देनी है भिंडी डालने के बाद उसमें हमें मैंगो पाउडर ऐड करना है मैंगो पाउडर से होता ये है कि जो वो उसका स्लाइमी टेक्स्चर होता है भिंडी का जब आप काटते हैं तो वो स्लाइमी चिपचिप वाला टेक्स्चर वो तुरंत चला जाता है तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी भिंडी एकदम सूखी की बननी चाहिए तो बस मैंगो पाउडर डाल के फिर नमक और मिर्चा सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करना है कि सब तरफ सारे पीसेस ऑफ भिंडी में अच्छे से मिक्स हो जाए और अब हमें इसे धीमी आंच पे पकाना है तेज आंच पे नहीं पकती है भिंडी अदरवाइज जल के राह हो जाएगी बिल्कुल काली भिंडी रेडी हो जाएगी बीच बीच में हमें चलाते भी रहना है और बस हमारी भिंडी रेडी हो चुकी है ऑलमोस्ट इसको आप रोटी के साथ खाएँ ये बहुत ही टेस्टी होती है और बहुत कम ऑयल में बनाइए तो ये बहुत ही न्यूट्रिशस भी होती है सो इट्स वेरी गुड शाम के चाय का टाइम हो चुका था तो मैंने चाय बनाई और फिर मम्मी के लिए सैंडविच भी बनाया बिकॉज़ दोपहर में भी उन्होंने जो है सिर्फ़ एक रोटी खाई थी और बिकॉज़ वो डायबिटिक है तो मुझे आ, टेंशन हो जाती कि कहीं उनकी शुगर बहुत ज़्यादा लो ना हो जाए तो ये मैंने बनाया है गोभी आलू का सैंडविच जो कि बहुत ही लजीज होता है शीन आपसे मुझे शॉपिंग करने का इतना चस्का लग गया है कुछ ना कुछ मैं मंगवाती रहती हूँ <laughs> तो ये एक फ़ोन का के पीछे आप चिपका देंगे तो इससे काफ़ी सपोर्ट मिलता है यू you नो know, जब आप फ़ोन को पकड़ते हैं तो वो स्लिप ऑफ नहीं होता है तो विच इज़ वेरी गुड ग्लिटर आई शारो दिखा जो कि बहुत ही हसीन लग रहा था तो बस मैंने इसको ले लिया अब इससे जो है मैंने अपने आई के वीडियोस बनाने हैं एनी <laughs> ये एक बैग मुझे दिखा था बट आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी इतना छोटा बैग इन्होंने भेज दिया वीडियो में तो बड़ा 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 लग रहा था ऐप में तो मैंने इसको रिटर्न करना है बिकॉज बैग बड़ा होना चाहिए सामान होता है काफ़ी सारा यू you नो know, तो ऑब्वियसली ये छोटा बैग का मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया चक्कर तो इसको मैं रिटर्न कर दूंगी शीन की बेस्ट चीज़ ये है कि इसमें इजी रिटर्न्स होते हैं तो कोई मसला भी नहीं होता कि रिटर्न करने में वो लोग तंग करें आपको सो आई रियली लाइक दिस थिंग अबाउट शीन हेलो मम्मी कैसी हैं आप क्या हाल है बस व्लॉग मैं एंड करने वाली थी तो मुझे लगा कि मैं आपके पास आऊँ और पूछूँ कि आपके पास कोई मैसेज है जो आप कहना चाहती हैं उन लोगों से जो हमारे वीडियोज़ देख रहे हैं पहली चीज़ तो सब सबको सलाम जो मेरा चैनल फरीन का चैनल देख रहे हैं और मेरी तरह से दुआएं हैं सबके लिए और मैं फरीन मेहनत कर रही हैं तो उनको थोड़ा सपोर्ट कीजिए आप लोग उसका मैं हर डिश बनाती हूँ तो मैं आसान और सरल तरीके से कम मसाले वाली मेरी डिशें होती हैं तो आप लोग जो नए लोग हैं बिगनर्स हैं वो लोग देखें तो उनको बहुत आसान लगेगी बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं कुछ नहीं बताती हूँ इसलिए कि जो लोग नए लोग हैं उनको भी आसान हो और जो लोग ऑफिस में काम करते हैं या जॉब में हैं और, और लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं लड़के हैं तो वो आसानी से ये सब डिश बना सकते हैं बहुत जल्दी जल्दी हाँ और आप लोग जहाँ भी हैं सब अपनी जगह सब लोग खुश रहें और मेरी बनाई हुई डिशों को डिश जो हैं उनको ट्राई करके देखें तो आप लोगों को खुद ही लगेगा कि वाकई ये आसान और कम मसाले की है बहुत इजी तरीके से आप लोग आसानी से बना सकते हैं तो एक फरीन के चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज़ तो दोस्तों आज का व्लॉग मैं यहीं फिनिश करती हूँ उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को आज का व्लॉग पसंद आया होगा आगे भी मैं इसी किस्म के व्लॉग्स बनाऊंगी ट्रैवल व्लॉग्स आएंगे बहुत सारे आ, नेक्स्ट वीक बिकॉज हम शारजा में नहीं होंगे तो आई होप कि आपको वो भी पसंद आएगा मैं कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे से अच्छा कॉन्टेंट क्रिएट कर सकूँ एंड आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो भी पूरा टाइम दे के मेरा व्लॉग चेक करते हैं सो आई रियली अप्रिशिएट सो कीप सपोर्टिंग एंड सुनते रहें देखते रहें मुझे ओनली ऑन फरहन की दुनिया और प्लीज़ मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल खुदाफ़िर